आवश्यक सूचना: YouTube चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेदीनाथ के आसव और अरिष्ट के बारे में, और साथ ही जानेंगे उनके यूजेस। गाइज, इसके पहले भी मैंने चैनल पर बेदीनाथ की टैबलेट की वीडियो अपलोड की थी, जिस पर आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं बेदीनाथ भृंग राजासव के बारे में। इसके यूजेज हैं, ये जनरल वेलनेस और डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक आयुर्वेदिक टॉनिक है। इसका यूज़ अत्यधिक थकान का इलाज करने के लिए किया जाता है। ये टॉनिक सर्दी, खांसी और ब्रोंकाइटिस से राहत दिलाने में मदद करती है, वजन बढ़ाने में मदद करती है, एनर्जी बढ़ाती है और साथ ही इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं बेदीनाथ दशमूला अरिष्ट के बारे में। इसके यूजेस हैं, ये डिलीवरी के बाद की कमजोरी से उबरने, दिमाग, शरीर और स्टेमिना को मजबूत करने के लिए महिलाओं के लिए अच्छी टॉनिक है। मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करती है और न्यू मदर्स में डाइजेशन और लैक्टेशन को बढ़ाती है। न्यू मदर्स के जल्दी रिकवर होने में मदद करती है और वुमेंस डिसऑर्डर में मददगार, और महिलाओं को ऑप्टिमम हेल्थ बनाए रखने में मदद करती है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं बेदीनाथ अश्वगंधा अरिष्ट के बारे में। इसके यूजेज हैं, ये एक हेल्थ टॉनिक है जो लंबे समय से चली आ रही बीमारी के बाद स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने में मदद करती है और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। ये एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन में सुधार करती है और फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस को कम करती है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पर बेदीनाथ खदीरा अरिष्ट के बारे में। तो इसके यूजेस हैं, बेदीनाथ खदीरा अरिष्ट ब्लड को प्यूरिफाई करती है, इसे डिटॉक्स करती है और ब्लड में मौजूद AMA को डाइजेस्ट करती है, किडनी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती है, ये स्किन को आराम देती है और लगभग सभी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स में खुजली को कम करती है, क्योंकि टॉक्सिन शरीर में माइक्रो चैनल को ब्लॉक करते हैं जिससे स्किन के टिश्यू को खराब न्यूट्रिशन मिलता है और जिससे वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स होती है। ये टॉक्सिन के प्रोडक्शन को रोकती है जिससे ब्लड में टॉक्सिन्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इचिंग, पपड़ी बनना, धब्बेदार और पपड़ीदार स्किन जैसे सिम्टम्स को शांत करने में मदद करती है। इस टॉनिक का रेगुलर यूज बॉडी को प्यूरिफाई करता है, टॉक्सिन के प्रोडक्शन को कम करता है, स्किन में सीबम के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है बेदीनाथ अर्जुना अरिष्ट। तो इसके यूजेस हैं, बेदीनाथ अर्जुना अरिष्ट हेल्दी हार्ट के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, ये बहुत सुरक्षित है, नेचुरल है और हार्ट और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में अच्छे रिजल्ट्स देती है। बेदीनाथ अर्जुना अरिष्ट चेस्ट की समस्याओं, एनोरेक्सिया और इरेगुलर हार्ट बीट के लिए यूजफुल है। हार्ट की प्रॉब्लम जैसे ब्लॉक्ड आर्टरीज, एंजाइना, इंक्रीज्ड हार्ट इसेमिया आदि में मदद करती है। ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, खांसी, गले से संबंधित समस्याओं और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित अन्य प्रॉब्लम्स में इफ़ेक्टिव है। इसके आगे हम बात करते हैं बेदीनाथ अभया अरिष्ट के बारे में। तो इसके यूजर्स हैं, ये इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसे कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हेल्पफुल हैं। ये पाइल्स, गैस, पेट फूलना, कठोर मल और पेट दर्द में हेल्पफुल है। शरीर से खराब टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर लीवर को डिटॉक्स करने और साफ करने में मदद करती है। ये भूख को बढ़ाती है, डाइजेशन में सुधार करती है। ये एलिमेंट्री कैनल से टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए इंटेस्टाइन डिटॉक्स के रूप में यूजफुल है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं बेदीनाथ अशोका अरिष्ट के बारे में। इसके यूजर्स हैं, ये मेंस्ट्रुअल पेन को कम करने में मदद करती है, सिर दर्द, मतली और उल्टी जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को कम करने में फ़ायदेमंद है। यूटेरस, ओवरीज और अन्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करती है। अशोका अरिष्ट यूटेरस के लिए एक जादुई टॉनिक है। ये डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड्स का इलाज करती है और यूटेरस को मजबूत करती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं बेदीनाथ कुमारी आसव के बारे में। इसके यूजर्स हैं, बेदीनाथ कुमारी आसव लीवर और स्प्लीन की शिकायतों के लिए एक नेचुरल फॉर्मुलेशन है, अनीमिया, कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल है और डाइजेशन में सुधार करती है। कमजोर भूख, पेट में दर्द, पाइल्स, प्लीहा और फैटी लीवर जैसी स्वास्थ्य शिकायतों में यूजफुल है।
हेल्दी लीवर फंक्शन को सपोर्ट करती है और पेट की विभिन्न समस्याओं में यूजफुल होती है, जैसे भूख ना लगना, फैटी लीवर, प्लीहा की शिकायत आदि। तो इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ काल मेघा सौ के बारे में। तो इसके यूजर्स हैं, बैद्यनाथ काल मेघा सौ एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जो सभी प्रकार के बुखार, क्रोनिक मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया और ड्रॉप्सी के ट्रीटमेंट में उपयोगी है। काल मेघा सौ लीवर की प्रोटेक्शन और लीवर और स्प्लीन के प्रॉपर फंक्शनिंग में इफ़ेक्टिव है। यह वात और पित्त को शांत करने में मदद करती है और यह डाइजेशन में सुधार करती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ द्राक्षासव के बारे में। तो इसके यूजेस हैं, यह ताकत बढ़ाती है, बुखार या कुछ पुरानी बीमारियों के बाद होने वाली कमजोरी और डेबिलिटी का इलाज करती है। ये सभी प्रकार के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कब्ज, भूख ना लगना, गैस, पेट फूलना, सूजन, इन सभी में यूज़फुल है। यह हार्ट की मसल्स को मजबूत करती है और उनमें लिपिड के बिल्डअप को रोकती है और इसीलिए हार्ट अटैक्स, हार्ट ब्लॉक, ब्लड क्लॉट के रिस्क को कम करती है। पेट में एक्सेसिव एसिड के फॉर्मेशन को रोकती है जिससे इनडाइजेशन, अल्सर, गैस्ट्राइटिस में इफ़ेक्ट होती है और शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के बेहतर एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है। द्राक्षासव बाइल सिक्रेशन को बढ़ाती है और इसके नेचुरल फंक्शन को रिस्टोर करती है जो डाइजेशन, लीवर फंक्शन में इम्प्रूव करने में मदद करती है और इनडाइजेशन को कम करती है और भूख को बढ़ाती है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जो कि है बैद्यनाथ लोहा सौ। तो इसके यूजेस हैं, ये एनीमिया, लीवर और स्प्लिन डिजीज के रिजल्ट, हेपेटोमेगाली और स्प्लेनोमेगाली में यूजफुल मेडिसिन है। कमजोर डाइजेशन, टेस्टलेसनेस और डाइजेस्टिव इम्पेयरमेंट में हेल्पफुल है। लीवर और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करती है। बैद्यनाथ लोहा सौ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें डाइजेशन में सुधार करने की प्रॉपर्टी है। लंबे समय तक रहने वाले बुखार, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सूजन और भूख न लगने में मददगार है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ चंदनासव के बारे में। तो इसके यूजेस हैं, ये क्रोनिक किडनी फेलियर में यूजफुल है, किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम UTI कहते हैं में इफ़ेक्टिव है। किडनी और जेनिटो यूरिनरी डिजीज का ट्रीटमेंट करती है। डिसूरिया, पायरिया और सिस्टिटिस में राहत देती है और कार्डिक टोनिक के रूप में काम करती है जो ताकत बढ़ाती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ विदंगा सौ के बारे में। इसके यूजेस हैं, बैद्यनाथ विदंगा सौ आंतों में कीड़े होने की समस्या में यूजफुल है। इसके आगे है बैद्यनाथ अमृता रिस्ट। तो इसके यूजेस हैं, ये शरीर को बैक्टीरिया के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। खांसी, जुकाम, बुखार से कमजोरी, शरीर में दर्द, इनडाइजेशन और कमज़ोर भूख से राहत में यूजफुल है। ब्लड फॉर्मेशन में सुधार करने और ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में मदद करती है। बैद्यनाथ अमृता रिस्ट का रेगुलर यूज़ गाउट और बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल में भी फायदेमंद है और थकान, जनरल डेबिलिटी में यूजफुल है। तो इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ अंगूरा सौ के बारे में। इसके यूजेस हैं, ये जनरल डेबिलिटी, इनसोमनिया, ओलिगोस्पर्मिया और भूख न लगना जैसी समस्याओं के इलाज में यूज़ की जाती है। इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ झिरकाद्य रिस्ट के बारे में। तो इसके यूजेस हैं, बैद्यनाथ झिरकाद्य रिस्ट इनडाइजेशन, दस्त, भूख न लगना में यूजफुल है। झिरकाद्य रिस्ट एक इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका यूज़ मुख्य रूप से इरिटेबल बोल सिंड्रोम, डायरिया, भूख कम लगना, पोस्टपार्टम फीवर, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर जैसे इंटेस्टाइन की कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और इस तरह बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करती है। इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ बबूला रिस्ट के बारे में। तो इसके यूजर्स हैं, बबूल रिस्ट एक मजबूत टॉनिक है जो स्ट्रेस इश्यूज को कम करने में मदद करती है और शरीर में बैलेंस प्रोवाइड करती है। इसका यूज़ पुरानी खांसी में किया जाता है, ये ब्लड के फ्लो को फिर से रेजुविनेट और रिस्टोर करती है। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज़ को कंट्रोल करती है, ये घरघराहट और सांस की तकलीफ को कम करती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ द्राक्षा रिस्ट के बारे में। तो इसके यूजेस हैं, बैद्यनाथ द्राक्षा रिस्ट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और वीकनेस में मदद करती है। इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ सरीवाद दशाओं के बारे में। तो इसके यूजेस हैं, बैद्यनाथ सरीवाद दशाओं स्किन डिजीज में मदद करती है। इसके आगे हैं बैद्यनाथ रोहिता का रिस्ट के बारे में। तो इसके यूजेस हैं, ये एनीमिया,
और लीवर की बीमारी का इलाज करने के लिए यूजफुल है। तो गाइस इस वीडियो में हमने बात की बैद्यनाथ के बीज, आसव और अरिष्ट के बारे में और साथ ही जाने उनके यूजेस। तो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।